दुनिया भर के लोग कनाडा आते हैं और सपना देखते हैं कि यहाँ पर पीआर मिले, इन फ्यूचर कैनेडियन पासपोर्ट मिले। पर जिनके पास पैसे हैं, अगर उनको अपने बच्चे की डिलीवरी करानी है, तो उन्होंने अच्छा एक बहाना ढूंढ लिया कनाडा आने के लिए कि बच्चे का डिलीवरी यहाँ कराएंगे और बच्चे का तो कम से कम कैनेडियन पासपोर्ट मिलेगा। कितने कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ आप सोचते हो कि अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि बच्चा पैदा हुआ हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। थिंक ऑफ मैनी कंट्रीज इन यूरोप, वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में पॉसिबल है, कनाडा में पॉसिबल है। आप देख लें दुबई, सऊदी में, इवन इंडिया में भी। इंडिया में अगर कोई फॉरेनर्स अगर आते हैं, अगर बच्चा वहाँ पैदा होता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती। न्यूजीलैंड में भी नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नहीं है ऐसे। लेकिन कनाडा और अमेरिका भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी बची हुई हैं जहाँ पर होता है। और स्कैंडल कितना है उसके बारे में एक आर्टिकल आया है ये January 4 को CBC न्यूज़ पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे क्यों, और आंसर है ऑल अबाउट द मनी, हाउ वुमेन ट्रैवलिंग टू कैनेडा टू गिव बर्थ कुड स्ट्रेन द हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ पर हेल्थ केयर में बच्चे का जो डिलीवरी होता है, जो लोकल रेजिडेंस है उनके लिए फ्री है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, फॉरनर्स हैं, जब वो यहाँ आएंगे, आते हैं, जब उनके पास यहाँ पर हेल्थ केयर नहीं है, तो सीधे कैश पे करते हैं और अपना बच्चे का डिलीवरी होती है, उनको पासपोर्ट मिलता है। देखते हैं और आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ ये ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में है। ब्रिटिश कोलंबिया में चाइनीज़ लोग काफ़ी आते हैं, रिचमंड एरिया, वहाँ पर काफ़ी चाइनीज़ लोग हैं। और फ़ोटो भी बनी हुई है बच्चे की, साथ में कैनेडियन पासपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो यू नो दैट्स व्हाट इट इज। ये आर्टिकल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑन CBC न्यूज़ ऑन January 4 को पोस्टेड है, सो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उसके मेजर जो उसके जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं उस पर एकदम दिखाता हूँ आपको। ये देखें, कैनेडा इज़ वन ऑफ द फ्यू दैन 36 कंट्रीज डैट फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन बर्थ प्लेस रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी और स्टेटस। और ब्रिटिश कोलंबिया हॉस्पिटल, एट वन ब्रिटिश कोलंबिया हॉस्पिटल हाई कंसेंट्रेशन ऑफ डिलीवरीज कंप्लेंट्स हैव रिजन दैट इनफ्लक्स ऑफ दिस नॉन रेजिडेंट पेशेंट्स ऑल्सो कॉल बर्थ टूरिस्ट हैज लेड टू कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर फॉर लोकल मदर्स टू बी इन स्ट्रगल्स फॉर नर्सिंग स्टाफ। सम ऑफ दिस पेशेंट्स इवन फेल टू पे हॉस्पिटल डॉक्टर्स बिल लीविंग टैक्स पेयर्स। अगर वो पे नहीं करते तो सारा जो बाकी के टैक्स पेयर पर उनका उनका असर पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ देम दे गेट द कनेडियन पासपोर्ट एंड देन दे लीव द कंट्री सेड डॉक्टर मुदाफर एल मुदाफर एल बी सी पेडियाट्रिशियन है न्यूनेटोलॉजिस्ट हू सीज बेबीज ऑफ नॉन रेजिडेंट्स विद द डीड क्रिटिकल केयर इट अफेक्ट्स द इंटेग्रिटी ऑफ फेयरनेस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। सो ये चक्कर चल रहा है। एंड लेट मी जस्ट शो यू समथिंग एल्स। मेजॉरिटी ऑफ दिस इज इन द नियरली 1/4 ऑफ ऑल बर्थ्स एट द रिचमंड हॉस्पिटल आर नॉन रेजिडेंट्स। रिचमंड हॉस्पिटल BC में वैंकूवर के पास है। द हॉस्पिटल रिक्वेस्ट डिपॉजिट फॉर प्राइवेटली पेड बर्थ्स $10,000 फॉर द वजाइनल बर्थ एंड $16,000 फॉर सिजेरियन। मोर देन 18 मिलियन हैज़ बीन इनवॉइस फॉर नॉन रेजिडेंट बर्थ सिंस 2017। माई गॉड दैट्स अ लॉट। 2017 3 साल में 18 मिलियन का बिल चल चुका है, और इन जस्ट वैंकूवर ओनली। एंड दिस अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग फ्रॉम द रिच मैन इन टू प्राइवेट पे डजंट मेक आवर स्टाफिंग बेटर। नर्सेज की भी शॉर्टेज है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। टू डॉक्टर्स एट द रिचमंड हॉस्पिटल हैव डिलीवर्ड 1300 ऑफ द 2206 बेबीज बॉर्न टू नॉन रेजिडेंट्स एज इन 2014। Dr. Wang and Dr. Brenda Tan, Anthropic speaking family, audience, majority of patients for prenatal care and delivery. Both appear on multiple websites of company advertising services such as assistance with immigration, travel, housing to women looking to come to Canada to give birth. Oh my God. I think this is one of the doctor. Dr. Shin Yong Wang, a family doctor based in Richmond, BC, recommended on birth tourism company website. He says he's a popular choice because he's a native मैंड्रिन स्पीकर। काफ़ी लोग हुए हैं जो जनरल हॉस्पिटल में अगर बिल्स भी नहीं पे करते और चले जाते हैं अनपेड बिल्स, मनी बिल्स और टू बिल हेल्थ अथॉरिटीज एंड इंडिविजुअल डॉक्टर्स आर नॉट ऑलवेज पेड। वाह। बर्थ्स एट द रिचमंड जनरल रिचमंड हॉस्पिटल रिप्रेजेंट 11% ऑफ ओवरऑल नॉन रेजिडेंट बर्थ्स आउटसाइड क्यूबेक। वाह दैट्स अ लॉट, दैट इज अ लॉट। एंड there is a little a video about this doctor. So there's a lot information on this article. इसका एक वीडियो भी उन्होंने बनाया हुआ है।
और फिफ्थ स्टेट में एक प्रोग्राम है सीबीसी का, उसमें दिया हुआ है। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक अ लुक ऑन योर ओन। पर ये फ्रॉड कब तक चलेगा पासपोर्ट का, कहना मुश्किल है। पता नहीं कनाडा को कब ये समझ आएगी कि भाई ऐसे मिसयूज अपने पासपोर्ट का कराना बंद करो, और ऐसे बर्ड टूरिज्म वाले जो सिटीजनशिप ऐसे अवेलेबल इजीली फॉर चिल्ड्रन, आई थिंक दिस इज़ अ बैड पॉलिसी। ऑनलाइन थैंक यू वेरी मच। आई विल पुट दिस लिंक ऑन माय यू नो द कमेंट्स बिलो, एंड वहाँ से आप इसको आर्टिकल को अपने आप ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू।